सकते हैं। नाव वाला झूला लगा हुआ है, बोट झूला, बोट राइड तो भाई मेरी बहुत फेवरेट है। ब्रेक डांस है, भूत बंगला। डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? वीडियो के थ्रू अगर आप आएंगे तो आपको हम 12% देंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। सब लोग कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये है ग्वालियर का मेला। ग्वालियर में ही लग रहा है। आपको ये बता दूँ कि जो ग्वालियर का मेला लगता था, कहाँ लगता था? मेला ग्राउंड में, जिसे मेला ग्राउंड ही बोला जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ ना लगते हुए ये सावन का मेला लग रहा है। 10-15 झूले लगकर तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ना चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेड बटन नीचे है, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे एक बार टच करें, फटाफट से सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी से लाइक करें। हमारे साथ जो इंतजाम किया है वो इन्होंने किया। सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम कृष्णकांत समाधिया है जी। मैं ग्वालियर मोती झील का निवासी हूँ। मोती झील का निवासी है। पूरे भारतवर्ष में मेले लगाते रहते हैं। तो ये मेला यहाँ क्यों लग रहा है? पिछली बार लगा था क्या? थोड़ा सा क्या, वहाँ साउंड ज़्यादा था तो इस कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तरह से समझ में आए। तो सर हाँ बताइए सर, इसका मेला इसलिए यहाँ पे लगाया जा रहा है क्योंकि 2 वर्ष के कोरोना काल में हम मेले वालों ने कहीं पे मेले नहीं लगा पाए और ग्वालियर व्यापार मेला में 2 वर्षों से मेला नहीं लग पाया उस जगह पर। तो मेले की संस्कृति एक तरह से खतरे में थी, कहीं पे ग्वालियर में मेले नहीं लग रहे थे। झूले सावन भी आ गया है 2 वर्षों से, ग्वालियर के जो रहवासी उन्होंने झूलों का आनंद नहीं उठाया है, इसलिए हम लोगों ने सावन मेले के नाम से यहाँ पे मेला आयोजित किया जो 30 दिनों तक चलेगा जी। इसका भव्य शुभारंभ 10 तारीख को बुधवार को शाम 5 बजे होगा। 10 तारीख जी, अगले महीने की 10 तारीख तक चलेगा। अच्छा अच्छा, 10 तारीख को ओपनिंग हो जाएगा और अगले महीने की 10 तारीख को चलेगा। 10 तारीख तक। और मेले में आपने देखा ग्वालियर में कभी आज तक नहीं लगाया, हमारा 100 फीट का टावर है जी, स्काई टावर जो मैंने आपको दिखाया था अभी, देखिए 100 फीट का टावर है। और ये मेरे पीछे स्ट्राइकिंग कार है जो अमूमन मेले में नहीं होती है, मॉल में होती है, ये मॉल के अंदर रहती है इस तरह के। और बाकी हमारा हवाई झूला है, कोलंबस है, ब्रेक डांस है, भूत बंगला है। ये 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है मेले को जी। हाँ, एक साइड दुकानें रखी गई हैं, एक साइड झूले रखे गए। अच्छा अच्छा, तो उस साइड मैं झूला देख रहा हूँ उस साइड, वो भी सावन मेला लगाया गया वहाँ पर भी, वहाँ पे 2-3 झूले लगाए गए। ज़्यादातर झूले यहीं पे जी, हमारे पास 15 झूले यहाँ पे बच्चों के बड़े सारे मिला करके, और करीब 50 हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल है जिसमें स्पेशल आप देखेंगे सोफा कम बेड मिलेगा आपको, दिल्ली मिलता है, यहाँ पे ग्वालियर में किसी दुकान पे आपको सोफा कम बेड नहीं मिलेगा। अच्छा, यहीं पर मिलेगा जी। हमारे भैया है ये सोफा कम बेड की स्टॉल लगाते हैं, अनिल जी। नमस्कार साथी। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार है, अनिल तमर कहते हैं। और सोफा कम बेड की नई रेंज और नई वेराइटी हम स्पेशल दिल्ली से लेकर आए हैं ग्वालियर शहरवासियों की डिमांड पर। और अपना डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल, जो भी हमारे मेले में आएगा सोफा कम बेड पर उसको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। 10% का स्पेशली ये सावन मेले की नई पहल है कि 10% डिस्काउंट आपको सोफा कम बेड पर दिया। वीडियो के थ्रू आएंगे तो और थोड़ा सा मिल जाएगा। वीडियो के थ्रू अगर आप आएंगे तो आपको हम 12% देंगे। 2% हम अपने यूट्यूब चैनल की भाई की वजह से हम 2% और आपको देंगे। ओके गाइस, ठीक है। और यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का काफी कलेक्शन आया हुआ है और तरह तरह के काफी मनोरंजन के झूले आए हुए हैं जो आपने शायद मॉलों में या यूट्यूब पर या आपने फेसबुक पर देखे होंगे, जो आपके पास आपको रियल मतलब उनका लुत्फ़ तो उठाने के लिए आपको मौका मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी अपने दोस्त यार और परिवारों के साथ सावन मेला घूमने आइए, आपका वेलकम है। भारत माता की जय, जय हिंद। 15 अगस्त को आप सभी लोग घूमने आना। बिल्कुल, तो भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो गाइस मैंने अब आपको बिल्कुल पूरा मेला दिखा देना है, सब चीज़ आपको एक एक करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये कि यहाँ पर ये काम चल रहा है और क्रेन से कुछ आइटम जो है झूले का पोर्शन कुछ उठाया जा रहा है उसको सेट करने के लिए। यहाँ पर देखिए गोल वाला झूला लगा हुआ है, उस साइड आप देख सकते हैं नाव वाला झूला लगा हुआ है, बोट झूला, बोट राइड तो भाई मेरी बहुत फेवरेट है, आप भी ज़रूर ट्राई करें इसे। और ये लगा हुआ है ब्रेक डांस झूला, जिसमें अब मैं इसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा, अच्छा झूला है, मज़ा आ जाएगा भाई राइड करना। और वो जो लगा हुआ है हेलीकॉप्टर बच्चों के लिए लगा हुआ है, उस साइड पोर्शन खाली है। चलिए मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा सारा पास ले जाकर झूले बता दूंगा। और इस साइड तो आपने देख ही लिया था कि भैया ने बताया था शुरू में, ठीक है। ये गोल घूमकर ऊपर जाएगा और इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बढ़िया राइड लेते हुए क्या एक्सपीरियंस रहा सब शेयर करूंगा। ये देखिए यहाँ पे कितने ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, बहुत सारे ये देखिए लेबर लगी हुई है काम करने में अपने
धूप में गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए ट्रेन रखी हुई है, ये ट्रेन भी लगाई जा रही है यहाँ पे इस साइड। देखिए पूरा काफ़ी सारे झूले लग रहे हैं गाइस, देखिए सामने यहाँ से व्यू देखिए आप इसका, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा आई डोंट नो, यहाँ पर ऐसा लगता है, देखिए जगह तो अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, शायद कुछ छोटा मोटा राइड लगेगी यहाँ पर। ठीक है चलिए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और नया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा और इसकी राइड भी ली होगी, मैंने तो ली थी। इसका भी बेसिकली टाइमिंग रहता है 10 से 15 मिनट का या शायद 5 मिनट का ऐसा कुछ रहता है, और प्राइस वगैरह मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि देखिए यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है, टिकट 100 रुपये। अब ये नहीं पता टाइम कितना दिया भाई, टाइम 120 सेकेंड, बस 2 मिनट, मैं 10 से 15 मिनट, सॉरी गाइस यार, जो यहाँ पे लिखा है वो बता रहा हूँ आपको, और फिलहाल अभी डिसाइड नहीं किया कि कितना टाइमिंग रहेगा इसका, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए हम आगे चलते हैं। और तो यहाँ छोटे बच्चों के लिए देखिए ये स्पाइडरमैन, और ये देख सकते हैं आप कार्टून के स्ट्रक्चर बना के ये राइड तैयार की गई है, अच्छा खासा झूला तैयार किया गया है, देखिए छोटे छोटे झूले बहुत ही अच्छे छोटे बच्चों के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, ये है कैश काउंटर, और ये कौन सी राइड है भाई? अच्छा हाँ, ये वो है ना ड्रैगन राइड, ड्रैगन वाली ऐसे करके जाती है गोल नीचे होकर फिर दोबारा वापस आ जाती है, इसके साथ 2 राउंड लगाती है यहाँ। हाँ कन्फर्म है, मैं ले चुका हूँ ये राइड, अभी ये तैयार नहीं हुई है, अभी बहुत टाइम लगेगा मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर कैसे काम हो रहा है भाई, आप देखिए नीचे यहाँ पर लेट के काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। गाड़ी वाली राइड है, बच्चों के लिए राइड है, ये है बड़े लोगों के लिए राइड, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर है भाई, बहुत हाइट है इसकी। ये जो दिख रहा है ना नीचे ऐसा, इसमें सीट्स लगेंगी, मैं आपको पास से जाकर दिखा देता हूँ भाई। हाँ जो आपको ये ऐसा दिख रहा है, ये इसमें ये सीट्स लगी हुई हैं, यहाँ इंसान बैठेंगे, बड़े लोगों के लिए राइड है गाइस ये। ठीक है, छोटे बच्चे शायद पता नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये ऊपर जाता है, उसके बाद ये गोल गोल घूमकर आप जैसा भी है वो, जब स्टार्ट होगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। अब मेडक वाली राइड आप लेना चाहते हैं तो ये देख लीजिए भाई, मेडक। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, ये पूरा ऐसे राउंड करके चक्कर लगाएगा। ये इसका नाम क्या है मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ भाई, मुझे तो नहीं पता क्या नाम है इसका। कि मैं आ चुका हूँ अब दुकान वाले पोर्शन में, तो मेरे पीछे देखिए ये जो पूरा एरिया है ये दुकान वाला पोर्शन है, यहाँ पे शॉप लगी हुई तरह तरह की, जी कपड़े वगैरह खिलौने वगैरह की दुकान है, सब यहीं पर लगाई जाएंगी। इस साइड दुकान है, लेफ्ट साइड मुड़ेंगे यहाँ, वहाँ से आपको पेमेंट दिख रहा होगा, मेरे से लेफ्ट साइड है, तो थोड़ा सा पोर्शन वहाँ पे भी है, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तकरीबन 15 से 16 दुकानें यहाँ पर लगेंगी। पहले बन जाने दो, उसके बाद बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल तो यहाँ पे देखिए नीचे कीचड़ ही कीचड़ है, क्योंकि बारिश के कारण ना नीचे की जो मिट्टी है वो गीली हो चुकी है और कीचड़ कीचड़ हो गई है। ये जो मेला है आपको पता चल ही गया होगा, सावन का मेला, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ भाई ग्वालियर के अंदर। आपको इसका एड्रेस बता देता हूँ, फूलबाग पर आओगे ना तो आपको ये जो बड़ा वाला झूला है वो आपको सामने दिख जाएगा यार, ये मेन रोड है हाईवे। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ग्वालियर का किला, ये देखिए मैंने बोला था ना ड्रैगन का, ये देखिए ये ड्रैगन रेडी है भाई, ये देखा जो है स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया भाई, ये आगे का उसका मुँह। फिलहाल यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, रुमाल लेके चलना पड़ता है भाई, वरना वीडियो में अच्छे नहीं लगेगा ना, समझा करो यार आप भी यार। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने आपको पूरा मेला दिखाई दिया है और यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराब हो रहा है क्योंकि मेले में अभी काम चल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया हो, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आगे अब मेले की वीडियो आने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ दूसरे पोर्शन की साइड, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।